सिर्फ पढ़ाई ही ऐसी कड़ी नहीं है जो आपको सक्सेसफुल बना सके। मैं ऐसे उद्यमियों को जानता हूँ जिन्होंने साइकिल पर अपना माल बेचना शुरू किया था और आज सही रिसोर्सेज उन्हें पता थे, सही स्कीम्स उन्हें पता थी, तो आज वो मल्टी मिलियनेयर्स हैं। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होती है, वो है पेशेंस, वो है सब्र। आपको पहला बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, चौथा बैंक हो सकता है स्पॉन्सर ना करे, हो सकता है वो आपको लोन ना दे, वो आपको फंड ना करे। पांचवा छठे के इंतजार में जरूर रहिएगा, उनसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। पहला कस्टमर कभी भी आपको बिजनेस शायद नहीं देगा, आपको बार 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 उनको नॉक करना पड़ेगा, और जब आप नॉक करेंगे तो 100% अश्योरेंस है जिसने सबसे पहले मना किया था वही आपका सबसे ज्यादा बढ़िया कस्टमर बन जाएगा। एक ही चीज जिसमें मेजर रोल प्ले करती है सर इसमें, वो है हमने कहीं पर भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने नेटवर्किंग कहीं भी नहीं छोड़ी। जो फोरम मिला उस फोरम में आकर, उस फोरम में जाकर हमने लोगों से बात करी, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया। ये बात बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं कि एजुकेशन doesn't play the most important role as far as your success is concerned. मतलब सिर्फ पढ़ाई ही ऐसी कड़ी नहीं है जो आपको सक्सेसफुल बना सके। मैं ऐसे उद्यमियों को जानता हूँ जिन्होंने साइकिल पर अपना माल बेचना शुरू किया था और आज सही रिसोर्सेज उन्हें पता थे, सही स्कीम्स उन्हें पता थी, तो आज वो मल्टी मिलियनेयर्स हैं। उनको अवेयरनेस थी, उनको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनके पास में थी। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर साहब ने कि वो फिक्स्ड एसेट से नहीं आती, वो आती है अपने जज्बे से। अगर जज्बा है हमारे पास तो उसके लिए आज हमें सिर्फ सपना देखने की जरूरत है, आज हमें कोलेटरल की जरूरत नहीं है। भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया कि शायद आज कोलेटरल की उतनी ज़रूरत नहीं है, और ये बातें मुझे पहले से नहीं पता थी। राइट, मैं पहले जॉब कर रहा था, एक ड्रीम वर्ल्ड में था, कॉर्पोरेट्स में बहुत बड़ी बड़े पद पे कार्यरत था। अचानक से मन किया कि यार एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना तो चाहिए, बनेंगे कैसे? भाई कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड पर ज़िंदगी चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लोन ले लेते हैं, उस पर डिफॉल्ट करते हैं कहीं ना कहीं पर, सिविल खराब हो जाता है, कुछ पता ही नहीं होता। फिर अरुण भाई यहाँ पर बैठे हुए मेरे साथ में, उन्होंने एक दिन मेरे को बताया कि MSME MSIC के थ्रू एक EDP प्रोग्राम चलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मन में एक इच्छा तो थी, भाई के साथ में ज्वाइन कर लिया। फील्ड के बारे में सोचना आया, पापा के पास में पास्ट एक्सपीरियंस था प्रिंटिंग के बारे में, उन्हें देखा था कि भाई ही वॉज डूइंग वेल जब वो काम कर रहे थे इस इंडस्ट्री में तब। फिर प्रिंटिंग की लाइन चूज करी और वहाँ पर प्रिंटिंग से रिलेटेड EDP ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने ज्वाइन कर लिया। ये तो नहीं कहूँगा कि वहाँ पर मेरे को ट्रेनिंग के सारे गुर मिल गए, ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को वहाँ पर नई लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल गई, लेकिन जो चीज़ मेरे को वहाँ पर मिली वो शायद और कहीं नहीं मिल सकती थी। मेरे को वहां पता चला कि गवर्नमेंट आज कितना सपोर्ट कर रही है किसी भी इंसान को जिसके पास में एक सपना है, क्या क्या शानदार स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की जिसके अंडर हम अपनी सपनों को साकार कर सकते हैं। सारे स्कीम्स के बारे में पता चला। फिर टाइम आया कि भाई 3 महीने का कोर्स था, 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो गया, अब ज़रूरत पड़ी फंड्स की। रिस्क कैपेसिटी मन में बिठा तो ली थी, ज़रूरत पड़ी फंड्स की, गले में झांक के देखा तो पैसा था नहीं, बैंक्स को अप्रोच करना शुरू किया। बैंक्स आपको देखती है, बिल्कुल सही कहा था सर ने कि कहीं ना कहीं आपकी शक्ल भी रोल प्ले करती है। उन्होंने बोला भाई साहब पैसे तो नहीं है, लेकिन आपको एक मज़े वाली बात बताता हूँ, हमें लगता है कि वो शक्ल देख रही है हमारी, वो पीछे देखते हैं सिबिल। राइट,
सिबिल यानी कि आपने क्या जिंदगी में कभी कोई तरह का लोन लिया है? अगर लिया है तो क्या उसे सही टाइम पर चुकाया है? अगर नहीं लिया है वो भी आपके लिए नेगेटिव है, राइट? ये हमें नहीं पता होता। अगर नहीं लिया है तो वो भी आपके लिए नेगेटिव है क्योंकि आपका सिबिल क्रिएट ही नहीं हुआ हुआ था। तो गवर्नमेंट या बैंक कैसे डिसाइड करेगी कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या नहीं है, आप रीपेमेंट करोगे या नहीं करोगे? गलती ये करी थी कि पहले वो जो सुंदर वाले बैंक होते हैं ना, जहाँ पे एसी एकदम फुल स्पीड में चल रहा होता है और बहुत बढ़िया बढ़िया अफसर बैठे होते हैं, वहां गए थे। फिर किसी एक बैंकर भाई ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप अप्रोच करो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स को, राइट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। बैंक ऑफ बड़ौदा जाना हुआ सर मेरा इसी कंटेक्स्ट में। बैंक ऑफ बड़ौदा गया तो उन्होंने मेरे को बताया, भाई साहब स्कीम चल रही है बहुत बढ़िया, कोलेटरल नहीं है आपके पास में, प्रॉपर्टी थी पापा की बनाई हुई लेकिन पावर ऑफ अटर्नी पर थी, वो हम कोलेटरल में लेते नहीं है। उन्होंने बताया कि एक स्कीम चल रही है जिसके अंडर में कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा आपको और आपको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक इंडस्ट्रीज जिसको हम सपोर्ट करना भी चाहते हैं, तो आप जो मशीन लगाना चाहते हैं उसकी डिटेल ले आइए, अपने फाइनेंशियल CA क्रिएट करवा लीजिए वगैरह वगैरह सब कुछ कर लीजिए। भाई साहब भी आए थे, उन्हें तो CA की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। इसका मतलब ये है कि बहुत आसान डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप जो स्कीम्स बताई जाती है उन स्कीम्स को ध्यान से सुन ले, तो हमने तो ध्यान लगाया नहीं था। तो CA भाई साहब को अप्रोच किया, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हुई, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक महीने के अंदर अंदर जो हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की मशीन देखी थी, जापान से इंपोर्ट होती है सर प्रिंटिंग इंडस्ट्री में मशीन, अप्रॉक्सीमेटली 80-85 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। हमारी तरफ से थोड़ा सा मार्जिन मनी जरूर लगा, 5% के आसपास का सिर्फ मार्जिन मनी लगा, उसके अलावा सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ने बैंक के थ्रू स्पॉन्सर किया। वो सारा का सारा कोलेटरल फ्री था। CGTMSE स्कीम एक होती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, उसके अंडर मिला मेरे को। आज 2017 में ये वाली फॉर्म हमने शुरू करी थी, आज 2023 है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हाँ मेरे को ये पता है मेरी जो रिलेशनशिप्स है अपने क्लाइंट के साथ में, दैट इज टॉप नॉच। मेरे को रेफर किया जा रहा है, हम लोगों को रेफर किया जा रहा है बार बार, एक क्लाइंट दूसरे को रेफरेंस करता है और दूसरा तीसरे को रेफर करता है, सो वी आर डूइंग प्रीटी वेल इन द इंडस्ट्री। एक ही चीज़ जिसमें मेजर रोल प्ले करती है सर इसमें, वो है हमने कहीं पर भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने नेटवर्किंग कहीं भी नहीं छोड़ी। जो फोरम मिला उस फोरम में आकर, उस फोरम में जाकर हमने लोगों से बात करी, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, और मेरे लिए तो मेरा प्रोडक्ट प्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। मेरा विजिटिंग कार्ड जो है वो अपने आप में मेरा प्रोडक्ट है, आपका विजिटिंग कार्ड, आपके स्टिकर्स, वो सारा का सारा मेरा प्रोडक्ट है। सो मेरे ख्याल से इतना ही है। बोलने के लिए तो मैंने काफ़ी कुछ लिखा था, एक चीज़ के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा सर, मतलब ऑडियंस को भी सर, विद योर ड्यू परमिशन। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज होती है, वो है पेशेंस, वो है सब्र। आपको पहला बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, चौथा बैंक हो सकता है स्पॉन्सर ना करे, हो सकता है वो आपको लोन ना दे, वो आपको फंड ना करे, पांचवा छठे के इंतजार में जरूर रहिएगा, उनसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। पहला कस्टमर कभी भी आपको बिजनेस शायद नहीं देगा, आपको बार 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 उनको नॉक करना पड़ेगा, और जब आप नॉक करेंगे तो 100% अश्योरेंस है जिसने सबसे पहले मना किया था वही आपका सबसे ज़्यादा बढ़िया कस्टमर बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत थैंक यू इतने सब्र के साथ मेरे को सुनने के लिए, एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल बिकम वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू।